हरदोई कोतवाली क्षेत्र के बक्सखेड़ा में रहने वाले पप्पू बहादुर को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रामजीवन के घर से उसे बरामद किया गया। प्रभारी ने बताया कि बक्सखेड़ा के कुछ लोगों में आपसी विवाद हुआ था, जिसको लेकर रामजीवन और रेणु मौर्य व उसके परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा इस पर मारपीट की गई थी। वहीं इस मारपीट की घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं। वहीं पप्पू को कई गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद में कई धाराओं में रामजीवन के परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि अब तक इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं रामजीवन व उसका पुत्र ने बताया कि पप्पू नशे की हालत में उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ में छेड़छाड़ कर रहा था। तभी घर के बाहर दीपावली कार्यक्रम को अंतिम रूप में दिया जा रहा था। इसी दौरान इसकी पप्पू और उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बड़ा कि बात मारपीट तक चली गई। घायल अवस्था में पुलिस ने पप्पू को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां से उसे अस्पताल भेज दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सुरेंद्र, पिता का नाम राम रामरूप। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला क्या था? पप्पू गांव कौन सा है? तो औरत से काहे बिन्न पड़े? फिर पहले मौका पर आए जी, मौके पर हमारे मार को बंद कर लिया, अपने घर में बंद कर लिए। तुम लोग कितने लोग थे? तुम लोग नहीं तो किस कौन सी नियत से घुसे तुम्हारे घर में? छेड़छाड़ कर रहे थे, फिर तुमने अपने घर से पुलिस को बरामद कराया पप्पू को, उसके बाद पुलिस तुमको ले आई थाने। कब से बैठाना है तुमको? दो दिन हो गया। कोई डॉक्टरी वगैरह हुई है? डॉक्टरी हमारी हाँ, तो क्यों? कौन से दिन की घटना है? सोमवार की। सोमवार की कौन सी तारीख थी? सोमवार को तारीख पढ़े लिखे हमने, 24 थी। तब से पुलिस तुमको बैठा है? 24 तारीख शाम का टाइम। और कोई पकड़ करके आया? और कोई आया नहीं। गांव कौन सा है? क्यों घुस गया पप्पू तुम्हारे घर में? क्या शराब के नशे में था? पहले दो तीन चक्कर लगाए आते जाते रहे, उसके बाद में हम तो चले गए वहाँ से आए। हम तो उसे कितना समय था उस समय? रात का 9 बजा था सोमवार दिन। फिर हमने बंद कर दिया। मोबाइल हमारे पास है नहीं था, तो हम यहाँ फोन करें 112 नंबर, तो वह लोग जो भेजी हुई पप्पू के यहाँ हम सोचेंगे हो रही, पर वह ये रात दरगंजन आए। दरगंजन भाग के पप्पू, दरगंजन भी साथ में थे पप्पू के। दलगंजन के बाप का नाम क्या है? रामदयाल। कहाँ के रहने वाले? और तुम भी बक्सखेड़ा के? तो तुम लोगों ने मारा पीटा और पुलिस को सूचना दी? सूचना हमने नहीं दे पाए था, सूचना उधर दे रही जिन्होंने भेजा है, उन्होंने सूचना दी, किसने दी? यानी कुल मिला करके